तो आज आप लोगों का स्वागत कुछ किया जाएगा हमारे कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ी स्टाइल में, जैसा कि भाई मन दादा मन संगवारी मन स्वागत है तुमन कर तुमरे चैनल में, ठीक है स्टाइल से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वॉल्केनो के बारे में, मतलब कि ज्वालामुखी के बारे में। जानने वाले हैं कि हम कितने प्रकार के सूते हुए जगे हुए कितने प्रकार के मृत ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी पर हैं, ज्वालामुखी आखिर बनता कैसे हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये है हमारा मेंटल वाला भाग, और सभी सभी को पता है कि हमारा जो मैग्मा या लावा है वो मेंटल वाले भाग से ही निकलता है। और ये हो गई हमारी पृथ्वी वाला भाग, ठीक है। ये है हमारा पृथ्वी का भाग, ये हो गया हमारा पृथ्वी का भाग। सबको पता है कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो फिर मैग्मा को जो है बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिससे कि लावा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा मैग्मा जो मेंटल में स्थित है। यहाँ से प्लेटें जब साइड हो जाएंगी, हट जाएंगी, थोड़ी खिसक जाएंगी, तो यहाँ से लावा मैग्मा जो है ऊपर की ओर ऐसे आने लगेगा। ऊपर की ओर आने के बाद ये पृथ्वी के धरती के बाहर आने के बाद कुछ इस तरीके से सब चारों ओर फेंकने लगता है, फैलने लगता है, कुछ इस तरीके से चारों ओर फैल जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चारों ओर फैल जाता है दोस्तों। तो अभी तक ये जब आग है, जब तक ये पृथ्वी से बाहर निकलते समय भी जब तक ये आग का गोला है, आग का रूप है, आग के लपट हैं, प्लाज्मा अवस्था में है, तब तक ये कहलाएंगे दोस्तों प्लाज्मा। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं दोस्तों, ये कहलाने लगता है क्या, लावा। कैसे, क्या कहलाएगा दोस्तों, लावा, ठीक है। लावा गिरने के बाद आप लोग देखे होंगे कि ज्वालामुखी में चारों ओर कुछ इस तरीके से पहाड़ का शेप होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहाड़ का शेप होता है और बीच से जो है लावा निकल रहा होता है, ठीक है। बीच से लावा निकल रहा होता है, तो असल में दोस्तों वो पहाड़ ना होकर के वो होते हैं आग्नेय चट्टान, जो उन्हीं मैग्मा के निकलने के कारण, लावा के सूखने के कारण धीरे 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 जमते हुए एक चट्टान का रूप ले लेती है, जिसे जो होता है ज्वालामुखी चट्टान, ठीक है। तो इस पहाड़ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, ज्वालामुखी शंकु, क्या कहेंगे दोस्तों, ज्वालामुखी शंकु। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में वॉल्केनिक कोन, क्या कहेंगे दोस्तों, वॉल्केनिक कोन, ठीक है। पोंगी, जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, वॉल्केनिक कोन, ठीक है। तो असल में ये क्या होता है, ये पहाड़ नहीं होता है, ये आग्नेय चट्टान के ही अंश होते हैं जो कि लावा सूख करके बन जाता है। तो दोस्तों जब ये लावा ज़मीन पर गिर जाता है तो हम इसे लावा कहते हैं सूखकर, लेकिन लेकिन जब यही मैग्मा, ठीक है, जब यही मैग्मा जब ये पानी में गिर जाएगा, जब ये मैग्मा पानी में गिर जाता है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है दोस्तों टफ, ठीक है। पानी में गिरने के कारण इसे क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, टफ। याद कैसे रखोगे कि पानी में चलना बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब ये मैग्मा पानी में गिर जाता है तो ये टफ कहलाता है। पानी में गिरने के बाद क्या होता है, ब्लास्ट जब होता है ना, सूखते समय ब्लास्ट होता है, तो वो कुछ छोटे छोटे मटर के समान फेंकने लगता है चारों तरफ। तो ठीक है, इन मटर के समान या फिर इन चने के समान दिखने वाले लावों का या मैग्मा के कण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्कोरिया, क्या कहेंगे दोस्तों, स्कोरिया, ठीक है। याद रखना बहुत आसान है, स्कोरिया। मटर खा के आप अपने शरीर का स्कोर बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे क्या, स्कोरिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल पूछ देता है कि मैग्मा हमारी पृथ्वी के कौन से भाग से निकलता है। तो दो ऑप्शन आएंगे, या तो मेंटल, उस पर भी आपसे टिक मार सकते हो, या तो फिर स्थेनोस्फीयर, ठीक है। इन दोनों पर ही आप टिक मार सकते हो, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ से देखिए लावा निकल रहा है, इस वाले मार्ग से लावा निकल रहा है, तो इस निकल जहाँ से लावा निकलता है वह उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी छिद्र, क्या कहेंगे दोस्तों, ज्वालामुखी छिद्र, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, ज्वालामुखी छिद्र। होता यह है कि जैसे 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 मैग्मा बाहर निकलता जाता है, अगल बगल का एरिया बड़ा होता जाता है। अगल बगल का एरिया बड़ा होने के कारण क्या होता है कि ये छिद्र बड़े होने लगते हैं, ठीक है। बड़े होने के बाद हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, छोटे होने पर हम इसे कहते हैं क्या, ज्वालामुखी छिद्र। बड़े होने पर हम इसे कहते हैं दोस्तों क्या, क्रेटर, ठीक है। बड़े होने पर हम इसे कहेंगे क्या, क्रेटर। और जब ये क्रेटर बड़ा हो जाता है तब इसे हम कहते हैं कोल्डेरा, ठीक है, कोल्डेरा। जैसे जैसे एरिया बड़ा होता जाएगा, इसके अंदर का छेद भी छिद्र जो है ये बड़ा होता जाएगा, और शुरू में हम इसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र, फिर इसे हम इसे कहते हैं क्रेटर। जब क्रेटर बड़ा हो जाता है तो कोल्डेरा। अब
सबको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जैसे कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसमें किसी चीज़ के फंसने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से इसमें होगा। आप अपने छत के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख के देखिएगा और एक मग रख के देखिए बारिश के दिनों में। अब बारिश रुकने के बाद देखिएगा कि दोनों में सबसे ज़्यादा पानी किस में भरा है। तो दोस्तों देखिएगा आपके मग में पानी ज़्यादा भरा होगा टेस्ट ट्यूब के मुकाबले। वैसा कुछ यहाँ पर होगा। कालडेरा जैसा जैसे बड़ा होता जाता है उसमें जो है पानी के फंसने की संभावना बढ़ती चली जाती है दोस्तों, ठीक है। पानी बढ़ती चली जाती है तो जैसे जैसे इसमें पानी फंसता जाएगा, पानी जमा होता जाएगा, यह एक झील का रूप लेने लगेगा जिसे हम कहते हैं दोस्तों कालडेरा झील। क्या कहेंगे दोस्तों? कालडेरा झील। लेकिन ये कालडेरा झील तभी संभव है जब ये ज्वालामुखी पूरी तरीके से निकलना बंद हो जाएगा, ये पूरी तरह से मृत हो जाएगा ये ज्वालामुखी। यहाँ से किसी भी तरह का लावा मैग्मा निकलना नहीं होगा, तभी ये कालडेरा झील कहलाएगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये है कालडेरा झील, ठीक है, कालडेरा झील। साथ ही साथ जब ये मैग्मा निकल रहा होता है, जब यहाँ से लावा निकल रहा होता है, तो इसमें से कई सारे हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठीक है। बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे कि CO2 निकलेगा, एथेन मेथेन निकलेगा, ठीक है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन निकलेगा, SO2 निकलेगा। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे इसमें जो है क्या हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठीक है। इसी बीच क्या होता है देखिएगा, ठीक है, इसी बीच क्या होता है, मेंटल में ऊपर आते आते, ठीक है, हमारा सिलिया वाला भाग जहाँ पे ये मेंटल है, इसके ऊपर एक और परत है जिसमें है ना, जिसमें पानी की कुछ चेंबर्स पाए गए थे, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ पानी के चेंबर्स थे जिसे नल या फिर बोर खोद करके पानी ऊपर निकाल दिया जाता है। इसी दौरान होता क्या है दोस्तों, जब ये ज्वालामुखी निकल रहा था तो कोई चेंबर अगर बीच में पड़ जाता है, ठीक है, अगर इस ज्वालामुखी के रास्ते में कोई चेंबर पड़ जाता है तो उसमें का पानी को क्या करता है कि ज्वालामुखी एकदम गर्म तरीके से ऊपर निकाल करके फेंकने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से एकदम गर्म पानी ऊपर आने लगता है। अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो उसका खाल बाल सब गल के वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा यहाँ पर निकलता है। तो इस यहाँ से जो गर्म पानी निकलता है दोस्तों उसे हम कहते हैं क्या, गीजर, ठीक है। जो गर्म पानी निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, गीजर। पूछता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गीजर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे अमेरिका के अलास्का में, यहाँ पर लगभग हजारों गीजर हैं, ठीक है, अलास्का में यहाँ पर क्या गीजर हैं। इसे ही कहा जाता है धुआरों का शहर। क्या कहा जाता है दोस्तों? धुआरों का शहर। हजारों की संख्या में यहाँ पर गीजर स्थित हैं हमारे अलास्का में, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी को लेकर के एक और सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है, सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है, इन दोनों को लेकर के एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक ज्वालामुखी है दोस्तों इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है दोस्तों कितने, 27 ज्वालामुखी, ठीक है, इंडोनेशिया में 27 ज्वालामुखी। अगर पूछ देता है कौन से राज्य में सबसे ज्वालामुखी, कौन से देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, तो वो है इंडोनेशिया, 27 ज्वालामुखी के साथ सबसे आगे। लेकिन अगर रिंग्स ऑफ फायर पूछ देगा, फायर ऑफ रिंग्स कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो उसमें आप लोगों को बताना है क्या, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। पिछले टॉपिक में भी आप लोगों को बताया गया था, ठीक है, ये उसी को हम कहते हैं अग्निवलय, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या कि जब ज्वालामुखी निकलता है ना दोस्तों, तो इन हानिकारक गैसों के साथ साथ उसमें से निकलता है क्या, जिप्सम। क्या निकलता है दोस्तों? जिप्सम। और इसी जिप्सम से को मतलब बाद में फिल्टर करके या फिर उसे रूपांतरित करके क्या बनाया जाता है, POP, ठीक है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी जिप्सम से बनाया जाता है। तो सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ पाएगा, तो सबसे ज़्यादा जिप्सम वहीं पाया जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होगा एक्टिव। तो इंडोनेशिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है, ठीक है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार, तो ज्वालामुखी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकार या फिर अवस्था ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो पहला होगा क्या दोस्तों, जैसे इंसानों में होता है ना, सेम वैसा ही होगा। क्या पहला क्या होगा? जगा हुआ। ठीक है, जगा हुआ को क्या क्या कहेंगे हम? जागृत। ये जगा हुआ है, इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव, एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सोया हुआ। ठीक है, सोया हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? सुसुप्त। क्या कह देते हैं दोस्तों? सुसुप्त। ठीक इंसानों की तरह, जैसा कि इंसानों में होता है वैसे, इसे हम कहेंगे डोरमेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या? डोरमेंट वॉल्केनो। और तीसरा क्या हो जाएगा? मृत। ठीक है, मरा हुआ। इन सब की खासियत भी बताई जाएगी। मृत डेट वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो। जागृत में क्या होता है दोस्तों? जागृत वॉल्केनो जो है, ये दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, कभी भी, मतलब दिन में 3 से 4 बार, हफ्ते में 8-10 बार, महीनों में 15-20 बार, ये ब्लास्ट करता ही रहता है जागृत वॉल्केनो। इसकी ये मतलब, ये जगा हुआ है, ये दिन भर सक्रिय है, ये दिन भर ब्लास्ट करता रहता है। सुसुप्त का क्या वॉल्केनो ऐसा होता है दोस्तों कि ये मतलब ऐसा कोई भरोसा नहीं कि ये कब फट जाए, मतलब 10 साल 20 साल 50 साल, 1 आध साल में 1 आध बार जो है ये फट जाता है सुसुप्त वॉल्केनो। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये सो गया है तो कभी फट नहीं सकता, ये बस थोड़ा सा क्या है, आराम करता रहता है, बीच में कभी भी ये ब्लास्ट कर जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों मृत वॉल्केनो। अब ये ही वॉल्केनो ऐसा है कि ये कभी भी मतलब नहीं फटेगा, ये मतलब एकदम शांत हो चुका है। और इसी शांत होने के कारण जो इसी ठीक है इसी शांत वॉल्केनो के कारण ही झील बन जाता है, जिसमें पानी जमने के बाद यहाँ पर झील बन जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने प्रकार के मरे हुए जगे हुए हमारे झील हैं, सबके इमेजेस आपको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला देखिए आएगा बैरन झील, हमारी ये भारत का है। ठीक है, ये सक्रिय वॉल्केनो पहला है क्या? बैरन झील, हमारे भारत से बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला सक्रिय है। और दूसरा है ये मृत है। ठीक है, ये है नारकोंडम, ये मृत ज्वालामुखी है, ये हमारे भारत से। ठीक है, नारकोंडम मृत ज्वालामुखी, ये हमारे भारत से है। बैरन ज्वालामुखी की खासियत क्या है? देखिए बैरन ज्वालामुखी है, तो बैरन ज्वालामुखी किसी नदी समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो जब ये ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है तो इसमें से क्या है कि बहुत सारे अवसाद निकलने लगते हैं, बहुत सारे कचरे निकलते हैं जो पानी में जाकर के मिलने लगते हैं। तो पानी में जाकर के मिलने के कारण क्या होता है कि वहाँ का पानी जो है काला हो जाता है। ठीक है, वहाँ का पानी काला हो जाता है, इसलिए वहाँ पर काला पानी भी कहा जाता है। ठीक है, उस पानी को काला पानी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इटली में, इटली का है दोस्तों स्ट्रांबोली, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, स्ट्रांबोली एक्टिव ज्वालामुखी है और बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करता जाता है, इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये है इटली के सिसली द्वीप पर। कहाँ है दोस्तों? सिसली द्वीप पर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और कभी दिन मतलब बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करता है, दिनों भर इसमें ब्लास्ट होता रहता है, इतना ज़्यादा खतरनाक है। और दिन भर ब्लास्ट होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर चारों तरफ जो है रोशनी दिखाई पड़ती रहती है। जाहिर सी बात है भाई, उसमें आग निकलता रहेगा तो चारों तरफ रोशनी दिखाई देती ही रहेगी। तो इस कारण से क्या होता है कि भूमध्य सागर के बीच में जो है ना चारों तरफ रोशनी दिखाई पड़ती रहती है, तो वहाँ पर के आसपास में जितने भी एयरपोर्ट्स वगैरह हैं उनको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसी ज्वालामुखी के कारण, क्योंकि वहाँ पर जो है रोशनी दिखाई पड़ती रहती है। ठीक है, अब देखिए रूस में क्या है? रूस में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर है बेंजामियानी। ठीक है, बेंजामियानी, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है, अमेरिका का है। सब याद करते हुए चलेंगे क्योंकि ये पूछा गया है, बस वही वही सब बता रहा हूँ, ये इतने ही हैं। अमेरिका में है, इस पर सबके इमेज आपको दिखेंगे। और सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो कहाँ है? इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर का कौन सा है वो? कोटोपैक्सी। ठीक है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारे अटलांटिका में भी है, अटलांटिका में है, तो वो थोड़ा सा कम सक्रिय है अटलांटिस का। अटलांटिका का है वो है इरेबस। क्या है दोस्तों? इरेबस। और यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है हमारे अमेरिका का, हमारे नहीं अमेरिका का, यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है, वो उस रिसर्च सेंटर का नाम है लिटिल
ठीक है, लिटिल अमेरिका 1 2 3 4, ये हमें 1 2 3 4 जो हैं वो चैम्बर्स हैं, उसके ब्रांच हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया में है क्या, सुमेरु, इंडोनेशिया का सुमेरु क्या है दोस्तों, सुमेरु, ये सारे एक्टिव वॉल्केनोस थे, ठीक है, ये सारे एक्टिव वॉल्केनोस थे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सोए हुए, सुसुप्त, ठीक है, सुसुप्त में है हमारा इटली का, इटली का क्या है दोस्तों, वेसुवियस, ठीक है, इटली का वेसुवियस है, ये सोया हुआ। और हमारे जापान का है क्या, जापान का नाम भी एकदम जापानी टाइप से है, फ्यूजी यामा, ठीक है, फ्यूजी यामा। और एक है फ्यूजी साम, ठीक है, ये हमारे जापान का है, फ्यूजियामा और फ्यूजी साम। और यहाँ ये एक है और है जिनाका, ठीक है, ये इंडोनेशिया का है, सोया हुआ, इंडोनेशिया का है ये जिनाका, क्या है दोस्तों, जिनाका, पूरा याद करना है एकदम सबका, कहीं से भी पूछ दे एकदम नहीं रुकना, ठीक है, जिनाका और क्राकाटोआ, ये है इंडोनेशिया का। अब हमारा आखिरी बच जाएगा क्या दोस्तों, मरा हुआ, जिसके मर जाने से फिर वहाँ पर झील का निर्माण हो गया, ठीक है, मृत्यु ज्वालामुखी, ज़्यादा नहीं है, 4-5 तो ये भी बस ख़त्म होने वाला है, मृत्यु ज्वालामुखी। पहला है हमारे अफ्रीका में मिला है, अफ्रीका में है कौन सा, किलीमंजारो, ठीक है, किलीमंजारो इमेज आपको दिख रहा होगा। दूसरा है हमारे म्यांमार का, म्यांमार में कौन सा है, माउंट पोपा, ठीक है, माउंट पोपा पोपा, इसके भी इमेज आपको दिख जाएंगे। फिर हमारे ईरान का, ईरान का जैसे वहाँ के सुल्तानों के नाम पर रखा गया था, ठीक है, तो ईरान का है वहाँ पर कोह सुल्तान, क्या है दोस्तों, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान और देहबंद, ठीक है, ये सुल्तानों के नाम पर है। और हमारे आ जाएगा आखिर में दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का चिमराजो, ठीक है, सबके इमेज आपको दिखाई दे चुके हैं कि किस तरीके से कौन सा वॉल्केनो कहाँ पर कैसे किस प्रकार से स्थित है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज्वालामुखी के बारे में आज बताना था केवल, और वही वही नाम आपको बताए गए हैं जितने के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, तो सारे नाम आपको अच्छे से याद करके लिख लेने हैं, कितने सारे सुप्त हैं, कितने सारे मृत हैं, कितने सारे अभी भी जगे हुए हैं, और कौन सा झील कहाँ पर है, झील कैसे बनता है, ये आपको जानना है और बताना है, ठीक है, कालडेरा झील, ये सबको आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले, जय हिंद और थैंक यू।